हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से गुड़गांव आ चुके हैं, लेकिन आधे वक्त मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो अब जाएंगे तो ज़्यादा वक्त मैं आज ना मोटो ब्लॉग शूट करूँगा। जितना भी यहाँ से गुड़गांव से बदरपुर तक मैं जाऊँगा तो सारा इसमें शूट करूँगा। और जो ना गुड़गांव के अंदर ना, तो मतलब दुबई जैसा फील आता है, एकदम ऊँची ऊँची बिल्डिंग है काफ़ी, और पहाड़ी एरिया भी है। जो है ना, मतलब यहाँ से गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए बदरपुर जाते हैं तो जो है ना एकदम पहाड़ी एरिया है। उधर जानवर भी काफ़ी है, तो बोर्ड भी लगे हुए हैं चीता के और तेंदुए वगैरह और लीले, मतलब काफ़ी जानवरों, तो वो भी आपको सारा सीन दिखाएंगे। काफ़ी झाड़ी है, कांटे वाले पेड़ लगे हुए हैं, तो वो सारे आपको इस मोटो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। और एकदम काफ़ी अच्छा है, एकदम ऊँची ऊँची पहाड़ है, मतलब पहाड़ी टाइप में टोटल। इधर के गुड़गांव मानसूर में, गुड़गांव में फिर भी कम पहाड़ है, मानसूर में बहुत ज़्यादा हैं। खैर मानसूर में अभी नहीं जाऊँगा तो भी ब्लॉग बनूँगा। तो गुड़गांव का आज, गुड़गांव से बदरपुर तक का जितना भी मतलब हाईवे है, एकदम सीन है, वो सारा इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो इस ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखना, और काफ़ी अच्छा व्यू है, हमने तो देखा है, तो शायद आपने नहीं देखा हो तो आप भी देख लेना हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तो आप इस ब्लॉग को एंड तक बने रहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बताइए कैसी ये ब्लॉग लगा। और आपको और भी कोई ब्लॉग चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, तो मैं दिल्ली के अंदर कोई सिटी वगैरह कुछ भी कोई जगह हो तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है। अच्छा,
खाली रहेगा। हाँ उधर का अब लोग इधर से जाते हैं ना सारे लोग काम करके, सुबह उधर से भरा रहता होगा सुबह।